भारत माँ के वीर सुपूतों के त्याग और बलिदान का पुनः स्मरण करते हुए नई पीढ़ी में राष्ट्र के प्रति स्वयं को संपूर्ण रूप से समर्पित करने की प्रेरणा जागृत करने का अनूठा प्रयास है 21 द्वीपों का नामकरण। मैं अब माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वे रिमोट का बटन दबाकर परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर चिन्हित 21 द्वीपों का नामकरण डिजिटल माध्यम से करें। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, बल्कि इन द्वीपों ने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भी सेलुलर जेल की प्रत्येक ईंट पर वीर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और अदम्य साहस का इतिहास अंकित है। इन ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम में आज इस अमृत काल में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज 21 द्वीपों को भारत के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत भारतीय सेना के उन जाबाज वीरों के नाम समर्पित किए हैं जिन्होंने मां भारती की सेवा करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान दिया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता, कुशल नेतृत्व और राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना से ये संभव हो पाया है कि आज हम उन शूरवीरों और शहीदों को पूरे राष्ट्र की ओर से सही अर्थों में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों को परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर सोमनाथ शर्मा, सूबेदार एवं ऑनररी कैप्टन करम सिंह, मेजर राम राघोभा राणे, नायक जदुनाथ सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा, सूबेदार जोगिंदर सिंह, मेजर शैतान सिंह, कंपनी क्वार्टरमास्टर हवलदार अब्दुल हामिद, लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशिर तारापुर, लांस नायक अल्बर्ट एक्का, मेजर होशियार सिंह, सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो, मेजर रामस्वामी परमेश्वरन, नायब सूबेदार बाना सिंह, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, सूबेदार मेजर संजय कुमार और सूबेदार मेजर रिटायर्ड ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव के नाम समर्पित किए हैं। उन्हें कोटि कोटि नमन है। इन वीरों के अदम्य साहस, अनुपम शौर्य, अतुलनीय पराक्रम और सर्वोच्च बलिदान के आगे आज पूरा राष्ट्र नतमस्तक है। ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्र प्रेम और प्रेरणात्मक नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज पूरा राष्ट्र, विशेषकर सभी द्वीपवासी, आजादी के अमृतकाल में इस ऐतिहासिक और गौरवमय पल के भागीदार बन सके हैं। मां भारती के वीर सपूतों द्वारा राष्ट्र की सुरक्षा एवं संप्रभुता के लिए दिया गया उत्कृष्ट प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान
हमारी भावी पीढ़ियों को मातृभूमि की सेवा के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। जय हिंद।